दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से डिप्लोमा बीवीटेक और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर आपकी अलग अलग पोजीशंस पर वैकेंसी है, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है वर्कशॉप मैकेनिक के लिए। अगर आपने आईटीआई किया है रिलेवेंट फील्ड में और आईटीआई में आपके मिनिमम 50% मार्क हैं और उसके साथ ही आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है वर्क सुपरवाइज़र के लिए। टोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। अगर आपने आईटीआई किया है सिविल ट्रेड में और आईटीआई में आपके मिनिमम 55% मार्क हैं, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहाँ पर आपको लेवल 2 की मिल जाएगी। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है ड्राफ्टमैन के लिए। टोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है ड्राफ्टमैनशिप में, डिप्लोमा में मिनिमम आपके 55% मार्क हैं, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहां पर आपको लेवल 4 की मिल जाएगी। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है आईटी असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीवीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपने बैचलर इन प्लानिंग की है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टोटल यहां पर आपकी एक पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। अगर आपने बीबीटेक किया है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहां पर आपको लेवल 5 की मिल जाएगी और यहां पर भी फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे। आगे आपको बताया है अगर आपको जानकारी है ऑटोकैड, रेविट या फिर किसी भी मॉडल मेकिंग सॉफ्टवेयर की, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकता है। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है आईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, बीबीटेक में आपके मिनिमम 55% मार्क हैं, आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है मैनेजर पोस्ट पर। अगर आपने बीबीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका 80 नंबर का होगा और इंटरव्यू यहाँ पर आपका 20 नंबर का होने वाला है। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर आपकी 1000 रुपीज़ रहने वाली है। तो अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।